दिलीप यशवर्धन हमारे साथ शिक्षा मैं आऊंगा मैं आपके पास आऊंगा दयाशंकर दुबे। दिलीप यशवर्धन, क्या जैसा कि अभी कर्नल दयाशंकर दुबे कह रहे थे कि भाई हमने बजट बढ़ा दिया, हम भर्तियां कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ बजट बढ़ा देना समस्या का हल है क्या? क्या वाकई सरकार का फोकस जो है वो अगर जब तक शिक्षा और लोगों और बच्चों की के भविष्य को लेकर के एक सजगता नहीं दिखेगी सरकार के स्तर पे, तब तक सिर्फ बजट बढ़ा देने से क्या हो जाएगा? और जो बजट बढ़ा भी दिया गया वो पर्याप्त है क्या, ये भी सवाल उठता है। रंजीत जी, आपकी सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इतिहास के पन्नों में लेके जाऊंगा। और अगर कोई बीमारी है तो उसका कारण भी होता है, तो अगर हम कारण को ढूंढ लें तो बीमारी को ख़त्म करना मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होता है। शिक्षा को मैं दो पार्ट में तोड़ता हूँ, एक एजुकेशन फॉर डिग्री और एक एजुकेशन फॉर नॉलेज। आज़ादी के पहले जब हमारे गुरुकुल चला करते थे तब हमको कोई डिग्री कोई रिजल्ट नहीं मिला करता था, लेकिन उस गुरुकुल में हमको एकदम एक्यूरेट और अच्छी नॉलेज मिला करती थी, हमारा ज्ञानवर्धन होता था, हमारी अवेयरनेस बढ़ती थी। 1857 में जब एक महाम्यूटनी हुई हमारे भारत में, उसके बाद अंग्रेजों को ये समझ में आया कि ये जो गुरुकुल हैं इनको ख़त्म कर देना चाहिए, और उस म्यूटनी के बाद 1858 में उन्होंने इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया, और उस एजुकेशन एक्ट में उन्होंने सबसे पहली लाइन लिखी थी कि ऑल दी गुरुकुल्स ऑफ इंडिया आर इलीगल, इस एक्ट के इनएक्ट होने के बाद। और जब आज़ादी के बाद हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया इस देश को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और डेवलपमेंट की ओर ले जाने के लिए, तो आप त्रासदी देखिए कि लॉ मेकर्स ने सारी चीज़ों का ध्यान रखा कि रिजर्वेशन देना चाहिए वीकर सेक्शन को, SC ST को, सारी चीज़ों को ये कर देना चाहिए, लेकिन शिक्षा को उन्होंने दरकिनार किया। शिक्षा को एट द टाइम ऑफ रियल इनेक्टमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट लिस्ट में डाल दिया गया कि भाई स्टेट अपने हिसाब से जैसे शिक्षा को चाहेंगे वैसे चलाएंगे, यानी कि प्रायोरिटी शिक्षा उस समय थी ही नहीं, आपने बाकी सारी चीजों को लिया। उसके बाद 1976 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में स्टेट से हटा करके शिक्षा के लिए फिर सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को जिम्मेदार किया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको रेगुलेट करेगी। और उसके बाद फिर 86 यानी कि आप सोचिए कि 85 बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ, तब तक शिक्षा के स्तर पर किसी को ध्यान नहीं गया। फिर 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फिर से शिक्षा को राइट यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया, और 2002 में अमेंडमेंट होने के बाद इसको अप्रैल 2010 से लागू किया गया, और तब ये कहा गया कि जो शिक्षा है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में काउंट होगी, और 14 साल की उम्र तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगी। हाँ बट ठीक है, लेकिन भाई उसका नतीजा क्या है? अगर मान लिया ठीक है हमने राइट टू एजुकेशन की बात, तो ठीक है सबको राइट्स दे दिए आपने, लेकिन इस राइट्स का क्या करेंगे कि आठवीं पास कर गए और हम शब्द का ज्ञान नहीं है, हम शब्द भी नहीं पहचान पा रहे। रंजीत जी मैं वहीं आ रहा हूँ, मैंने कहा ना कि शिक्षा फॉर डिग्री और शिक्षा फॉर एजुकेशन, ये जो बच्चे 8th क्लास में पहुंच गए हैं ये ज्ञान से नहीं पहुंचे हैं, ये बाय डिग्री 5वें में गए, 6ठे में प्रमोट कर दिया, 6ठे में गए, 7वें में प्रमोट कर दिया, तो हम क्या है कि हम रिजल्ट्स पर जा रहे हैं, हम ये दिखा रहे हैं कि हमारे इतने एडमिशन्स हो रहे हैं, इतने हमारा आउटपुट निकल के जा रहा है, लेकिन उन बच्चों को असली ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बात असर ने प्रूव कर दी है। ये असर का असर है कि आज हम यहाँ बैठ करके डिबेट कर रहे हैं कि बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही है। दूसरा जो बजट की आप बात कर रहे हैं, तो उस बजट का यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है। आप देखिए जो घोटाले होते हैं, मिड डे मील का घोटाला हुआ, ये घोटाला हुआ, सारी चीजें हुई, और अभी दयाशंकर साहब शिक्षकों की भर्ती की बात कर रहे थे, तो अभी आप ही की सरकार ने 68,000 समथिंग शिक्षकों के 68,500 शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दिया। तो जब आप एजुकेशन को मेन स्ट्रीम में लेकर के नहीं आएंगे, एजुकेशन को आप आज की जरूरत नहीं मानेंगे, क्योंकि शिक्षा ही देश के डेवलपमेंट का सही आधार है, और आप उस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप कितना भी बजट बढ़ाते रहिए सिर्फ पैसे से ज्ञान नहीं मिलेगा जब तक आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ध्यान नहीं देंगे।